राजस्थान के आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल की हुंकार केंद्र सरकार के खिलाफ सामने आई है। एनडीए के घटक दल में शामिल आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भी किसान बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। बेनीवाल ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस ले, नहीं तो भाजपा का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ। साथ ही उन्होंने किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 7 दिन बाद लाखों किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं, हम तो दिल्ली जाएंगे। बहुत से लोग आ रहे हैं, आप किस किस को रोके, आपको तो मदद करनी चाहिए किसान के बेटे हो आप, और किसान जब जिंदा रहेगा तो ही देश बचेगा। आपको मदद करनी चाहिए, आप रोकने का काम कर रहे हो। दिल्ली में जाने से मोदी जी से बात करने दो ना, किसान सर्विस रोड में जाने के लिए किसानों की मांग तो सुन ले बेटे हो साहब, आपको घर में थोड़ी पैदा हुई, किसानों के घर में पैदा हुई, आप सर्विस रोड से जाएंगे सर, प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, संवैधानिक अधिकार है। हम कोई गलत तरीके से नहीं है, अपनी थोड़ा थोड़ी कर रहे हो, किसी वो कर रहे हो, सर्विस रोड से दे दो सर, सर्विस रोड से इजाजत दे दो सर, जाने का अधिकार सड़क में हमारा भी है। हनुमान बेनीवाल जयपुर दिल्ली हाईवे से हरियाणा सीमा पर काफिले के साथ पहुंचे थे। बेनीवाल की सूचना के बाद हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने के चलते जाम के हालात बन गए थे। इस दौरान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि सरकार किसानों को राज्यों में न बांटे, हम धरती पुत्र हैं सारे किसान, किसान चाहे पंजाब का हो या किसी भी राज्य का, हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय के अंदर हो सकती है। आप तुरंत इन किसान भाइयों की मांगे माने, हमें अलग अलग नहीं करें कि पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान में बिल का असर नहीं है, आंध्रा में नहीं है। किसान को तो कम से कम राज्यों में मत बांटो, किसान तो एक है। और हमें किसान पर कोई राजनीति नहीं करनी, मैं तो एनडीए के अंदर हूँ, मैं भी खाली बयान दे के काम चला लेता, लेकिन मुझे बॉर्डर पर आना था क्योंकि मेरा नाम हनुमान है और मुझे इतना प्यार आप लोग करते हो। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जब राजस्थान के अंदर हुआ था, हमने एक ही बात कही थी, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी मैं सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। एनडीए छोड़ना पड़ा, एक मिनट में छोड़ दूंगा बिना सोचे समझे, और एमपी का पद छोड़ना पड़ा तो एमपी का पद भी एक मिनट में छोड़ दूंगा। मिशन 23 राजस्थान में पूरा करेंगे। राजस्थान में 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, ये हमने पंचायत चुनाव लड़ा के दर्शाने। आखिर बेनीवाल केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस निकल गए। हालांकि बाकी किसानों का जमावड़ा वहीं लगा रहा। यहां हरियाणा सीमा में प्रवेश न मिलने के चलते पिछले कई दिनों से किसान यहां हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।